जय माता दी। जानिए भगवान सूर्यदेव के रथ में क्यों लगे होते हैं 7 घोड़े। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह सभी धार्मिक कथाओं और तथ्यों का पता लगे और आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है सूर्यदेव के 7 घोड़े। सूर्यदेव के तस्वीरों में सभी लोगों ने देखा होगा कि सूर्यदेव जिस रथ पे होते हैं उसको 7 घोड़े लगे होते हैं, लेकिन उस रथ में 7 ही घोड़े क्यों होते हैं? आइए जानते हैं इस विषय में पौराणिक कथाओं में लिखे तथ्यों के बारे में। भगवान सूर्य को नवग्रह का राजा कहा जाता है। उन्हें आदित्य, भानु और रवि जैसे नामों से पुकारा जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपनी रोशनी से सारे संसार में उजाला करते हैं। इनके दर्शन में भी हमें साक्षात हो जाते हैं। साथ ही सूर्यदेव 7 घोड़ों में सुशोभित सोने के रथ पे रहते हैं। इस रथ में लगे होते हैं 7 घोड़े, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये जो रथ होता है उसका नाम अरुण देव होता है, जो अरुण देव इनके साथी होते हैं। इन 7 घोड़ों के बारे में जानते हैं। दरअसल भगवान सूर्य जिस 7 घोड़े वाले रथ में सवार होते हैं उसके संबंध में धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में कथा है। सूर्य देव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्रांति, उष्णिक, जगनी, त्रितप, अनुसप और पंक्ति है। इसके बारे में मान्यता है कि ये अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं जो स्वयं सूर्यदेव की किरणों से उत्पन्न है। साथ ही सूर्यदेव के इन घोड़ों में इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी जोड़ा जाता है, जो हमें इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हैं। अगर ध्यान दें तो इन 7 घोड़ों का रंग अलग होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और ये 7 घोड़े भी अलग नजर आते हैं। ये सभी घोड़े स्वयं सूर्य देव की रोशनी का प्रतीक हैं। भगवान सूर्य देव के 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होने से प्रेरणा लेकर सूर्यदेव के कई मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं और इसकी खास बात ये है कि उन सभी मूर्तियों में इनके रथ को ज़रूर बनाया जाता है और इनके 7 घोड़ों वाला रथ स्थापित होता है। तो ये 7 घोड़े 7 दिनों और 7 रंगों को दर्शाते हैं। जो दिन रंग सूर्यदेव के बिना अधूरे हैं और सूर्यदेव की रोशनी का ही प्रतीक हैं, उनकी रोशनी का ही प्रतीक ये 7 घोड़े हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के रोचक तथ्यों साहित्य से लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें।